तो जी हाँ दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत के अंदर एक और कमाल की वीडियो लेकर, जहाँ पर मैं अब कंपैरिजन करने वाला हूँ पाकिस्तान की दो सबसे सस्ती गाड़ियों का। एक जो कि ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, यूनाइटेड ब्रावो, और दूसरी सुजुकी ऑल्टो, जो कि 2019 के पहले महीने में आने वाली है। अब ये दोनों गाड़ियां जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सबसे सस्ती गाड़ियां करार दी गई हैं। यहां पर आपको बताता चलूं, लोग ये समझते हैं कि सस्ती गाड़ी का मतलब 2-3 लाख रुपए। नहीं भाई, ये गाड़ियां 8 से 10 लाख रुपए के बीच में हैं, लेकिन मार्केट के अंदर नई गाड़ियों के अंदर सबसे सस्ती ये ही है। तो सबसे सस्ती गाड़ी इन पाकिस्तान का मतलब ये होता है कि सबसे सस्ती न्यू अवेलेबल कार। सस्ती गाड़ी का ये मतलब नहीं है कि गाड़ी 2 लाख रुपए की होगी। और एक और बात आप लोगों को शुरू में ही क्लियर करता जाऊं, मैं ना ही सुजुकी के साथ हूं और ना ही यूनाइटेड ब्रावो के साथ, मैं अवाम के साथ हूं, मैं खुद अवाम हूं। मैं उस गाड़ी को सपोर्ट करूंगा जो अवाम का फायदा सोचेगी, जो अवाम को बेहतरीन क्वालिटी कम प्राइस के अंदर देगी, उसी प्रोडक्ट को मैं भी प्रमोट करूंगा क्योंकि मैं भी अवाम हूं। सो यहां पर आप लोगों के लिए कंपैरिजन ही लेकर आया हूं इसीलिए, ताकि आप लोग कंपेयर कर लें और उसमें से जो अच्छी निकले उसको खरीदें। चैनल है ही पाकिस्तानियों के लिए, उनकी बाइंग डिसीजंस में हेल्प करने के लिए। इस चैनल के अंदर मैं लोगों को ये बताता हूं कि आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। तमाम प्रोडक्ट के रिव्यूज़ में आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, गाड़ियों के रिव्यूज़ लेकर आता हूँ, ताकि कोई भी पाकिस्तानी जो है कुछ भी ख़रीदने से पहले कम्प्लीटली उसको जान ले 100%। अब यहाँ पर ना ही मैं किसी कंपनी के साथ होता हूँ, ना ही किसी के ख़िलाफ़ होता हूँ। जो चीज़ अच्छी है और कम कीमत के अंदर है, कंज्यूमर का फ़ायदा दे रही है कोई कंपनी, तो मैं उसके साथ होता हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। सब्सक्राइब करें टेक गुरु .pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद या आने वाली दो सस्ती तरीन कार्स। सबसे पहली गाड़ी की यहाँ पर मैं बात करूँगा वो है यूनाइटेड ब्रावो, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। और यूनाइटेड ब्रावो को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करके उसकी लेटेस्ट अपडेट्स आपको ऑलरेडी पहुँचाता रहा हूँ। यहाँ पर यह गाड़ी जो है अब आपको 8.5 लाख रुपये के ब्रैकेट में मिलेगी। अगर आप आज बुकिंग करते हैं तो आपको 3 से 4 महीने के अंदर गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी के आने से इसने सुजुकी को भी एक कंपटीशन दिया, और सुजुकी ने अपनी मेहरान को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर सुजुकी पाकिस्तान ऑल्टो न्यू लॉन्च की है, जो कि 2019 जनवरी तक पाकिस्तान के अंदर आएगी। अब इस गाड़ी के अंदर उसकी स्पेसिफिकेशंस, गाड़ी की जो वो प्राइस है, 8 लाख के अंदर मैनुअल वेरियंट जा रहा है और जो ऑटोमेटिक वेरियंट्स हैं वो 10 लाख रुपये तक जाएंगे। इस वीडियो का मकसद है दोनों गाड़ियों का कंपेरिजन करना। तो चलिए देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये दोनों गाड़ियाँ जो पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ियाँ क्लेम हो रही हैं, इनमें से अच्छी ज्यादा कौन सी है, इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंजन कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। ब्रावो जो यहाँ पर आ रही है वो 800 सीसी के इंजन के अंदर आ रही है, जबकि ऑल्टो 2019 660 सीसी के इंजन के साथ आएगी। दोनों गाड़ियां यहाँ पर हमारे पास हैचबैक के सेगमेंट के अंदर हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर माइलेज की। ब्रावो यहाँ पर क्लेम कर रही है 15 से 18 किलोमीटर पर लीटर, जबकि यहाँ पर सुजुकी ने तो एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है, जिसके लिए सुजुकी कह रही है कि 37 किलोमीटर पर लीटर ये हमारी 660 सीसी 2019 ऑल्टो प्रोवाइड करेगी। अब ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए भी कि एक नॉन हाइब्रिड कार 37 किलोमीटर तक जा रही है। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर में अगर हम सुजुकी ऑल्टो के इंटीरियर को देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा इंफोटेनमेंट दिया गया है। इसके अलावा अच्छा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्पीडोमीटर्स वगैरह भी ज़बरदस्त किस्म के दिए गए हैं, जिस जो पहले मेहरान की तरह नहीं थे। गाड़ी के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टेयरिंग बॉक्स भी है, सीट बेल्ट भी इस बार दी गई हैं ऑल्टो के अंदर। के मुताबिक ऑटोमेटिक वेरियंट्स के अंदर AC भी मौजूद होगा। साथ साथ अगर विंडोज़ की बात करें तो ऑटोमेटिक वेरियंट के अंदर ऑटो विंडोज़ मिलेंगी, जबकि मैनुअल वेरियंट के अंदर विंडोज़ नहीं मिलेंगी। तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे 8 लाख रुपये को, जो 8 लाख रुपये की मैनुअल गाड़ी होगी उसको यूनाइटेड ब्रावो के साथ, तो वहां पर हम देखते हैं 8 लाख रुपए के वेरिएंट के अंदर ना ही आपको अंदर इंफोटेनमेंट मिल रही है, ना ही स्क्रीन मिल रही है, ना ही आपको यहां पर ऑटोमेटिक विंडोज मिल रही हैं, ना ही AC है। जबकि हम यहां पर कंपेयर करते हैं अब इसको यूनाइटेड ब्रावो के साथ, तो इंटीरियर के अंदर यूनाइटेड ब्रावो में आपको कंप्लीट जबरदस्त किस्म का इंफोटेनमेंट मिलेगा, बेहतरीन किस्म का इन्फो क्लस्टर, अच्छा गुड लुकिंग इंटीरियर विद वुडन फिनिश, साथ में आपको स्टाइलिश टैकोमीटर भी मिलता है और हाई टेक पावर विंडोज जो कि ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग भी यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर और सीटिंग कैपेसिटी की। ब्रावो की यहां पर गाड़ी जो है डायमेंशन के अंदर सुजुकी ऑल्टो से थोड़ी सी बड़ी है। अब दोनों जो
है, 4 सीटेड कंफर्टेबली 4 बंदे दोनों गाड़ियों के अंदर आसानी से बैठ सकते हैं। लेकिन डायमेंशन वाइज ब्रावो यहाँ पर लेंथ में भी ज्यादा है और विड्थ के अंदर भी ज्यादा है। लुक्स की बात करें तो यहाँ पर ये हर एक बंदे पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा लोगों को ब्रावो की लुक्स पसंद आएंगी और बहुत ज़्यादा लोगों को ऑल्टो की लुक्स पसंद है। तो लुक्स का बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, जो आपको पसंद हो आप उसी को बेहतर कह सकते हैं। और आखिर में प्राइस की बात कर लेते हैं, जो ऑटो वेरिएंट है ऑल्टो का वो 10 लाख रुपए की प्राइस तक जाता है। ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर गाड़ी फुली ऑटोमेटिक होगी, जिसके अंदर ए सी भी होगा और साथ में स्टेयरिंग भी ऑटोमेटिक होंगे और पावर विंडोज़ भी मिलेंगी, साथ में गियर भी ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन गाड़ी की प्राइस वो है 10 लाख रुपये के। अगर मैनुअल वर्जन की बात करें तो वहाँ पर ना आपको पावर स्टेयरिंग मिल रहा है और ना ही ऑटो विंडोज़ मिल रही हैं और ना ही ऑटो गियर बॉक्स मिल रहा है। सुजुकी क्लेम कर रहा है 37 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, जबकि अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनाइटेड ब्रावो की, तो यूनाइटेड ब्रावो 8.5 लाख रुपए की प्राइस के अंदर आपको मिल सकती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस आपको सुजुकी ऑल्टो के बिहाफ पे मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं वो 8 लाख रुपए के अंदर सुजुकी कह रहा है, ये हमारे पास यूनाइटेड ब्रावो 8.5 लाख में आ रही है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशंस हमें यूनाइटेड ब्रावो के अंदर देखने को मिल रही हैं 50,000 रुपये के प्राइस डिफरेंस के साथ। यहाँ पर एक और बात भी बताते चलूँ, यूनाइटेड ब्रावो के इंटीरियर के अंदर जो फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिक ऑल्टो के 10 लाख वाले वेरिएंट से भी ज़्यादा। यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस में गाड़ी आगे निकल रही है वो सिर्फ माइलेज में आगे निकल रही है। तो सुजुकी ऑल्टो की इस टाइम पर गाड़ी की कंपेरिजन के अंदर सिर्फ माइलेज ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है और शायद लुक्स भी थोड़ी सी ब्रावो से अच्छी देखने को मिल रही हैं। अदरवाइज ब्रावो जो है तमाम स्पेसिफिकेशंस में, लुक्स के अंदर, कैपेसिटी वाइज, इंजन वाइज, इंटीरियर वाइज और स्पेसिफिकेशंस वाइज ब्रावो इस टाइम पर फिर भी आगे है और ऑटोमेटिक वर्जन से उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए कम भी है। तो मैं तो इस बात से यहाँ पर बहुत खुश हूँ कि यूनाइटेड ब्रावो के आने से सुजुकी ने भी अपनी कीमतों को यहाँ पर कम किया है और कॉम्पिटिशन के आने से इनकी मोनोपली ख़त्म होगी और आवाम को बेहतर क्वालिटी कम प्राइस के ऊपर मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन को ज़रूर लाइक कर दीजिए। नीचे कॉमेंट सेक्शन में आइए, गपशप लगाते हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे के अंदर और आपके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, आइए नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइए। मैं आ रहा हूं, सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, गपशप लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए भी अपने फेसबुक के ऊपर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।